नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर देवेंद्र सिंह पर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं 30x40 का एक बहुत ही बढ़िया सा हाउस प्लान जो कि 1200 स्क्वायर फीट है और ये बहुत ही कम बजट में डिजाइन किया गया दोस्तों। इसमें हम लोगों ने कलर का, वेंटिलेशन का और वास्तु का भी बहुत सा ध्यान रखा और बहुत सी चीजों का ध्यान रखा गया है और ये प्लान क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्लान की तरफ चलते हैं और देखते हैं अपना पूरा हाउस प्लान। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्लान की तरफ चलते हैं। तो ये है अपना प्लॉट दोस्तों, जो कि ईस्ट फेसिंग का प्लॉट है और प्लॉट का साइज जो है 30x40 फीट का प्लॉट है, मतलब 1200 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है दोस्तों। और यहाँ पे हमने प्लॉट के चारों ओर हम लोगों ने ग्रिड लगवा दी है, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेरे ये अपना ही प्लॉट है पूरा। और इसी प्लॉट पर हम लोग डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं अभी। 1200 स्क्वायर फीट में एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे और ये क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन, 1 टॉयलेट और स्टेयरकेस, गार्डन, OTS और डाइनिंग एरिया चाहिए दोस्तों। ये मतलब टोटल 2 BHK का बहुत ही प्यारा सा होम डिज़ाइन बनने जा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। पर डिज़ाइन से पहले एक बार हम लोग प्लॉट का साइज़ देख लेते हैं, क्या साइज़ है प्लॉट का। ये देखिए दोस्तों, 30 फीट अपना ये प्लॉट का इस साइड का साइज़ है और एज़ यूजल इस साइड का जो प्लॉट का जो साइज़ होगा वो 40 फीट होगा, मतलब 30x40 फीट का अपना टोटल जो है प्लॉट का साइज़ है दोस्तों। 30x40 फीट का ये देखिए प्लॉट का साइज़ है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, इस पर पूरी डिज़ाइनिंग करते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत ही कम बजट में है दोस्तों। 1200 स्क्वायर फीट का घर जो है आप 7 से 8 लाख रुपए में आप आराम से बनवा सकते हैं दोस्तों। अगर जो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दिए हुए नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों। हम यहाँ डेली आपके लिए कम बजट में बहुत अच्छे अच्छे होम डिज़ाइन लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने इस प्लान के नक्शे की तरफ। इसका जो है हम लोग देखते हैं 3D नक्शा, पूरा 3D में नक्शा देखेंगे हम लोग पहले इस प्लान का दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब नक्शे की तरफ चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये रहा अपना 3D में नक्शा पूरा। तो एक बार सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, हम लोग प्लॉट का साइज़ देख लेते हैं। ये देखिए 30 फीट का है दोस्तों साइज़, 30 फीट। इसको एक बार टॉप व्यू में देख लेते हैं, टॉप व्यू में कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिए 30 फीट है प्लॉट की लंबाई चौड़ाई, और जो यहाँ से जो इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों वो अपनी 40 फीट है। 30x40 फीट का प्लॉट है। तो ये देखिए सबका आउटर साइज़ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों की एंट्री यहाँ से होती है दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत छोटा सा गार्डन प्रोवाइड किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप गार्डन प्रोवाइड कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, ट्रीज़ लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो विंडो प्रोवाइड किया हुआ, विंडो इसलिए प्रोवाइड किया हुआ जिससे यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर वेंटिलेशन दोस्तों हो सके। तो ये यहाँ पे होगा अपना मेन गेट और ये होगा मेन एंट्रेंस दोस्तों। तो यहाँ से मेन गेट से आप घुसेंगे तो सबसे पहले जो यहाँ पे आएगा हमारा लिविंग रूम आएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लिविंग रूम और कितना स्पेशियस लग रहा है लिविंग रूम देखने में। इसमें बहुत सी जगह है और येलो कलर से कितना प्यारा लग रहा है पेंटिंग। येलो और लाइट येलो का कॉम्बिनेशन है, हमने जो दीवार पर लगाया हुआ है येलो कलर लगाया हुआ है और टाइल्स पे जो हम लोगों ने लगाया हुआ है वो लाइट येलो का टाइल्स लगाया हुआ है दोस्तों। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हमने सिंगल सोफा रखा हुआ, आप चाहे तो डबल और ट्रिपल सोफा रख सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे हम लोगों ने आगे सामने की तरफ टीवी कैबिनेट रखा हुआ दोस्तों, टीवी कैबिनेट, बुक सेल्स, और यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर डिज़ाइनिंग की गई है दोस्तों। तो ये है अपना लिविंग रूम दोस्तों। अब लिविंग रूम के जस्ट अपोजिट में जो सटा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने देखिए 2 टॉयलेट बनाया हुआ है। 2 टॉयलेट इस हिसाब से बनाया हुआ, दोनों सेपरेट बनाया हुआ। एक में जो है यहाँ का जो टॉयलेट है, ये वाला जो टॉयलेट है दोस्तों हम लोगों का, ये एक छोटा टॉयलेट है। और यहाँ पे हम लोगों ने OTS भी रखा हुआ दोस्तों, जिससे कि वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से हो सके। तो यहाँ से जो है बहुत ही प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। ये फर्स्ट टॉयलेट है दोस्तों और ये छोटा टॉयलेट है। इसके बगल में ही दोस्तों ये दूसरा टॉयलेट है और ये कि बड़ा टॉयलेट है दोस्तों। और यहाँ पे बगैर शावर लगा हुआ है, हर चीज़ आप देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कलर कॉम्बिनेशन देख लो आप यहाँ का। इसका कलर कॉम्बिनेशन लाइट ब्राउन और ये एक नीचे टाइल्स लगी हुई है दोस्तों। बाकी आप यहाँ चाहो तो पेंट भी करवा सकते हो दोस्तों। और इस टॉयलेट में क्या होगा कि गेस्ट लोग आ जाएँ और इस टॉयलेट में दोस्तों बेडरूम के जो लोग हैं वो आके यूज़ कर सकें ये टॉयलेट। और एक बहुत ही प्यारा सा देखने में डिज़ाइन लग रहा है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा। तो चलिए दोस्तों, इसके बगल हम लोगों ने यहाँ पे जो है स्टेयरकेस डिज़ाइन किया हुआ है। स्टेयरकेस इसलिए डिज़ाइन किया हुआ दोस्तों कि स्टेयरकेस हम लोग अंदर से दिया हुआ, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उसको स्टेयरकेस जो है अंदर से चाहिए था दोस्तों। तो इसीलिए हम लोगों ने स्टेयरकेस जो है अंदर की तरफ से डिज़ाइन किया हुआ पूरा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने स्टेयरकेस के जस्ट बगल में ही हम लोग डाइनिंग एरिया रखा हुआ है और ये एक बहुत ही सफिशियंट अमाउंट का डाइनिंग एरिया है। और डाइनिंग एरिया के जस्ट बगल देखिएगा तो यहाँ पे हम लोगों का जो है की किचन है। ये किचन है दोस्तों, आप किचन से देखेंगे ये डाइनिंग एरिया है और स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस के नीचे यहाँ पे स्पेस काफ़ी खाली होती है, यहाँ पे आप सामान को रख सकते हैं अपना।
और यहाँ से हम लोगों ने किचन के जस्ट बाहर यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा ओटीएस बनाया हुआ है दोस्तों। ये ओटीएस इसलिए बनाया है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद यहाँ पे घूम सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही प्यारा यहाँ पे वेंटिलेशन भी आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे उसके जस्ट बगल हमारा एक बेडरूम है, तो इस बेडरूम में बहुत ही अच्छा और सॉलिड वेंटिलेशन होगा दोस्तों। अगर जो लाइट नहीं रहती तो आप बाकायदा यहाँ पे आके रह सकते हो, लाइट के ना रहने के बावजूद भी सनलाइट घर पे आपके आएगी पूरी। और उसके बाद जैसे किचन के सामने हमने डाइनिंग एरिया दिया हुआ है, डाइनिंग एरिया जो है 4 टेबल का डाइनिंग एरिया है दोस्तों। यहाँ बैठ के आप खाना खा सकते हो अपनी फैमिली के साथ बैठ के, और चाहो तो आप 4 टेबल का 6 टेबल कर सकते हो या 2 टेबल कर सकते हो, जैसा भी आपका बजट हो उसके हिसाब से आप रख सकते हो। और जो हम लोगों ने पूरा यूज़ किया, ये बहुत ही प्यारे से टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, स्टेयरकेस पे भी हम लोगों ने टाइल्स का यूज़ किया हुआ है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ऊपर की तरफ हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे उसके बगल आता है अपना बेडरूम आता है। बेडरूम देखने में कितना स्पेशियस लग रहा है दोस्तों, कितना ही मतलब ज़बरदस्त लग रहा है बेडरूम देखने में। तो इस बेडरूम का क्या खास बात है कि ये एक बहुत ही प्यारा सा बेडरूम है। इस बेडरूम में हम लोगों ने सिंगल बेड रखा हुआ, आप चाहो तो डबल बेड भी रख सकते हो यहाँ पर। और डबल बेड के साथ यहाँ पे हम लोगों ने कबोर्ड भी रखा हुआ है दोस्तों, और कबोर्ड के जस्ट बगल में यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी टेबल प्रोवाइड किया दोस्तों। यहाँ बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो और यहाँ बैठ के मूवी भी देख सकते हो दोस्तों। और ये यहाँ पे एक बहुत ही प्रॉपर साइज़ का बेडरूम है दोस्तों, छोटा बेडरूम नहीं है, अच्छे साइज़ का दोस्तों बेडरूम है। बाकी ये देखिए दीवार पे हम लोगों ने पिंक कलर यूज़ किया हुआ, लाइट पिंक बोलते हैं इसको। और फ्लोरिंग के लिए हमने टाइल्स का यूज़ किया, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों देखने में। और इस बेडरूम से ही लगा हुआ एक ओटीएस ये है, एक ओटीएस ये है, तो यहाँ पे आप चाहो तो विंडो खोल सकते हो। तो यहाँ पे एकदम अल्टरनेट वेंटिलेशन आपका होगा और रूम आपका हमेशा ठंडा रहेगा, चाहे आप एसी लगवाओ इसमें चाहे एसी ना लगवाओ दोस्तों। एसी बिना एसी के भी ये रूम जो होगा पूरा एकदम बहुत ठंडा रहेगा, बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन होगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों बिना एसी वाला यहाँ पे ये, इसके बाद ही यहाँ पे भी आप चाहो तो एक डोर देके यहाँ पे भी आप बहुत सॉलिड वेंटिलेशन ले सकते हो। यहाँ वेंटिलेशन, यहाँ पे एक विंडो होगा, यहाँ पे डोर होगा, तो यहाँ से भी बहुत अच्छा वेंटिलेशन आएगा दोस्तों। और ये रहा अपना टॉयलेट, इस एरिया को आप एक ज्वाइंट टॉयलेट भी बोल सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने एक अटैच टॉयलेट रख लिया है। यहाँ पे देखिए कितना ही बहुत ही सफिशियंट साइज़ का है हम लोगों का। तो ये है अपना टॉयलेट, यहाँ पे हम लोगों टॉयलेट बना दिया है यहाँ पे, और ये अटैच टॉयलेट है इस एक बेडरूम से, या इसको मास्टर बेडरूम भी आप बोल सकते हो। और दोनों बेडरूम बहुत ही सफिशियंट साइज़ का बनाया हुआ है। यहाँ पर हम लोग सिंगल बेड रखा, आपने डबल बेड भी रख सकते हो अपने हिसाब से, जैसा भी आप चाहो उस हिसाब से आप इस रूम को रख सकते हो। बाकी अभी हम लोग इसके बाद इस रूम का डायमेंशन लेआउट, कॉलम लेआउट सब कुछ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। बाकी अगर जो आप नए घर बनवाने का सोच रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर नीचे आके कमेंट कीजिए कि आपको आपके घर के प्लॉट साइज़ क्या है, उस प्लॉट साइज़ के बेसिस पे हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे आपके प्लॉट की पूरी अच्छे से। ये देखिए आप एक बार इसका आउटर व्यू देखिए, टॉप व्यू से आप सब कुछ देख लीजिए। यहाँ से आपकी एंट्री होती है, ये अपना गार्डन एरिया, उसके साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने जो रखा हुआ है बेडरूम रखा हुआ है, और उसके साथ ही बेडरूम के बगल यहाँ पे ओटीएस रखा हुआ है वेंटिलेशन के लिए। उसके बगल में यहाँ पे जो है हम लोगों ने बाथरूम दिया हुआ है, और उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे हम लोगों ने एक और बेडरूम रखा जो कि बहुत ही सफिशियंट स्पेस का है। और उसके बगल यहाँ पे एक और ओटीएस हम लोगों ने रखा है, और यहाँ पर हम लोग किचन बनाया है, और सीढ़ी जो है अंदर की तरफ से है सीढ़ी, तो यहाँ पर सब लोग सेफ रहेंगे। और इसके बाद फिर ये एक विलेज का नक्शा है, और बहुत ही कम बजट में दोस्तों बनाया गया इसको। अब देख लीजिए ये टॉप व्यू है, बाकी कलर आप चाहो तो कलर आप चेंज करा सकते हो अपने हिसाब से, आप कलर डला सकते हो इसमें। आपका बजट थोड़ा ठीक ठाक है तो आप टाइल्स का यूज़ करो, स्टोन का यूज़ करो, क्लेडिंग का यूज़ करो, और बजट कम है तो पेंटिंग का यूज़ करो दोस्तों, या फिर वॉलपेपर का यूज़ कर लो, बहुत से ऑप्शन है दोस्तों। बाकी इसमें कोई चेंजेस होगा तो आप बताइएगा मुझे, पर यह प्लान जो है मैंने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था। आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे लिख के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो दोस्तों। ये मेरा नाम है इंजीनियर देवेंद्र सिंह, और मेरे चैनल का भी नाम है इंजीनियर देवेंद्र सिंह, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बहुत ही कम बजट में नक्शा बनाते हैं दोस्तों सबके लिए, और कई बार तो फ्री में भी नक्शे डाल देते हैं दोस्तों, जिससे कि आप सब देख सको, जिसके पास बजट ना हो नक्शा बनवाने का तो वो आके देख सके नक्शा, और बहुत ही कम बजट का नक्शे सारे होते हैं दोस्तों। और बहुत ही प्यारा होम डिज़ाइन है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर। बाकी दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कॉलम लेआउट की तरफ, और देखते हैं कॉलम का क्या लेआउट बनता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 30x40 फिट का हम लोग कॉलम लेआउट देखते हैं, इसी प्लान का हम लोग कॉलम लेआउट देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हो रही थी अपनी एंट्री, तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम लगाया हुआ है, 5 कॉलम इधर है, 4 कॉलम इधर है, और 5 कॉलम इधर है दोस्तों, और बीच में यहाँ पे 3 कॉलम है, और इधर 3 कॉलम है दोस्तों। ये एक बहुत ही प्यारा सा है कॉलम का लेआउट, आप देख सकते हो ऊपर टॉप व्यू, साइड व्यू दोस्तों, हर साइड से आप देख सकते हो, ये है कॉलम का लेआउट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले पॉइंट देखते हैं कि कॉलम का साइजेस क्या है। तो हम लोगों ने जो कॉलम का जो हाइट रखा हुआ दोस्तों यहाँ पे, ये 10 फिट के नियर अबाउट हम लोगों ने कॉलम का हाइट रखा, 11 फिट में हम लोगों ने कॉलम का हाइट रखा हुआ। यहाँ पे 11 फिट में आपका स्लैब ढलाई होगा दोस्तों, और कॉलम का जो साइज़ है 9 इंची है, 9 इंच बाय 9 इंच का अपना कॉलम का साइज़ है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे।
हमने 9 इंची बाय 9 इंची कॉलम का साइज़ रखा हो दोस्तों, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 3 फिट 3 इंचेस का है अपना। और चलिए हम लोग अब कॉलम का सेंटर लाइन देख लेते क्या है सेंटर लाइन। तो जो फ्रंट में कॉलम है उसका जो साइज़ है ये 18 फिट 11 इंचेस का है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर। हम लोग ये टॉप कर देते हैं, 18 फिट 11 इंचेस के नियर अबाउट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक जो बेडरूम का कॉलम है, वो बेडरूम का कॉलम जो है यहाँ पे टॉप पे देखेंगे आप यहाँ पे अपना 9 फिट 7 इंच का है दोस्तों। इसके बाद यहाँ आप साइड में आइए, यहाँ आप साइड में भी आप देख सकते हो कॉलम टू कॉलम की डिस्टेंस जो है 11 फिट की है अपनी नियर अबाउट की। देखिए साफ साफ दिख रहा दोस्तों यहाँ से, यहाँ पे हम लोग ये इस दो कॉलम के बीच की जैसे 9 फिट 7 इंच की है, ये 7 फिट 7 इंच की है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये जो है 8 फिट 4 इंच की है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये जो है 11 फिट 4 इंच की है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 फिट की है दोस्तों। और स्टेयरकेस की डिस्टेंस जो है सेंटर लाइन 6 फिट 7 इंचेस की है नियर अबाउट। फिर इधर से दोस्तों देखेंगे तो ये 8 फिट 4 इंचेस की है। फिर टॉयलेट की देखेंगे 6 फिट 7 इंचेस की है। फिर इधर की देखेंगे 10 फिट की है दोस्तों। और इधर की देखेंगे 11 फिट 3 इंच की है दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर जो आपको बनवाना होगा तो आप मुझसे एक बार कॉन्टेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो है खाली ग्राउंड फ्लोर के बेसिस पर हमने बनाया है। अगर जो आपको G+1 बनवाना तो यहाँ पर कॉलम का साइज़ अपने हिसाब से चेंजेस होंगे, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, नीचे इसमें नंबर दिया हुआ है। और अगर जो आपने अब तक चैनल को लाइक नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे हम डेली आपके लिए मेहनत से एक बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लेके आते हैं दोस्तों, और सारे कम बजट में होते हैं, 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख। आप देख सकते हो हम लोगों ने 2 2 3 3 लाख के भी डिज़ाइनिंग की हुई है, तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें जो शेयर बटन है, उस शेयर बटन से आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पर, इससे वो भी देखें। बाकी दोस्तों यहाँ अंदर का भी कॉलम देख लीजिए, देखो इंपॉर्टेंट है अंदर का कॉलम टू कॉलम की डिस्टेंस क्या है, ये 9 फिट की है यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करोगे तो आपको कॉलम का लेआउट, सेंटर लेआउट मैं दिलवा दूंगा पूरा, और बाकी इसका एलिवेशन भी आपको मिल जाएगा पूरा व्हाट्सएप पर। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए तो आपको सब कुछ हम दिलवा देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है अपना बेडरूम के साइजेस, हॉल के साइजेस, सबके हम लोग साइजेस देख लेते हैं कि क्या क्या डायमेंशन है सबके। दोस्तों 1200 स्क्वायर फीट का नक्शा दोस्तों, ये रहा 1200 स्क्वायर फीट का नक्शा। यहाँ से होती है अपनी एंट्री, एंट्री का जो यहाँ पे जो साइज़ रखेंगे हम लोग, जो मेन गेट है उसका साइज़ रखेंगे 7 फिट के नियर अबाउट का है यहाँ से साइज़। और यहाँ से जो है जो विंडो का हम लोग साइज़ रखा हुआ 4 से 5 फिट के आप नियर अबाउट और विंडो का साइज़ रख सकते हैं। तो दोस्तों मेन गेट है, गेट के बगल यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन है, तो गार्डन का जो साइज़ होगा यहाँ पर वो 3 फिट 3 इंच का है दोस्तों। और ये अपना मेन डोर है, मेन डोर का भी साइज़ हम लोगों ने 4 फिट के नियर अबाउट का रखा है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आप एंट्री करोगे एक बहुत ही बड़ा सा आपको हॉल मिल जाएगा। तो हॉल जो है 14 फिट का हॉल है दोस्तों, एक ये जो हॉल है 14 फिट का, 14 फिट एक बहुत ही ढेर सारी स्पेस होती है दोस्तों हॉल के लिए। 14 फिट बाय 18 फिट, आप खुद सोचिए 14 बाय 18 का ये एक बहुत बड़ा सा हॉल है। कोई भी घुसेगा देखेगा वाओ, यहाँ से लेकर पूरा मतलब इसको ओपन ही दिखाई देगा तो उसको लगेगा भाई ये तो पूरा घर घर ओपन है पूरा, यहाँ से लेकर उसमें बहुत स्पेस है। और खाली आपका ये 1200 स्क्वायर फिट का घर है जो कि 6 लाख 7 लाख के बीच में आपका डिज़ाइन आराम से बन जाएगा पूरा कंस्ट्रक्शन के साथ। इसमें हम लोगों ने वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखा हुआ है। तो बेडरूम का जो साइज़ है 10 फिट का है यहाँ से, 10 फिट बाय 11 फिट का एक बहुत ही प्रॉपर बेडरूम का साइज़ है। उसके साथ ही अटैच टॉयलेट हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है 5 फिट का। और यहाँ पर हम लोगों ने OTS प्रोवाइड किया हुआ है 3 फिट का, 3 फिट बाय 5 फिट का अपना OTS है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ का इसका जो बेडरूम का साइज़ है ये यहाँ से लेकर 11 फिट का है अपना बेडरूम का साइज़। ये देखिए 11 फिट का बेडरूम का साइज़ है अपना दोस्तों, 11 फिट बाय 11 फिट का आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट, थोड़ा आगे हो गया यहाँ पे। आप ये देखिए 11 बाय 12 का है अपना टोटल जो है बेडरूम का साइज़ जो है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं अपना आगे की चीज़ें। जो किचन है वो 8 फिट मतलब आप 9 फिट का किचन समझ सकते हो दोस्तों, 9 फिट एक अच्छा स्पेस होता है किचन के लिए। और किचन तो आप यहाँ तक भी कंसीडर कर सकते हो, 9 बाय 8 कप का किचन है दोस्तों। यहाँ पे भी हम लोगों ने डोर लगाया हुआ है वेंटिलेशन के लिए, 4 फिट का डोर है दोस्तों, 4 फिट का डोर बहुत होता है, यहाँ से एक बहुत ही तगड़ा वेंटिलेशन होगा अच्छा खासा दोस्तों। और यहाँ से भी विंडो भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ, किचन की विंडो है
वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ से भी अच्छा खासा वेंटिलेशन होगा दोस्तों। ये है दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सा हाउस प्लान। और फिर हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग डाइनिंग एरिया प्रोवाइड किया हुआ था, तो किचन के साइज़ को हम लोग पूरा कंसिडर करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो साइज़ होगा 17 फीट आ जाएगा। उसके बाद स्टेयरकेस का साइज़ देख लेते हैं, तो यहाँ से अपना राइज है, ऊपर उठते हैं हम लोग 4 फिट का, जो कि बहुत ही अच्छा स्पेस होता है। यहाँ पर हम लोग 4 फिट हम लोग दे सकते हैं साइज़ यहाँ पर। और ट्रेंड है यहाँ पे 10 इंची का हम लोग ट्रेंड रखा हो, ट्रेंड मतलब जहाँ पे हम लोग पैर रख के ऊपर की तरफ चढ़ते हैं उसको ट्रेंड बोलते हैं दोस्तों। और उसके बाद इसकी जो राइज देंगे मतलब हाइट देंगे स्टेयर केस की, वो 7 इंची की इसकी राइज देंगे। ये 10 इंची का ट्रेंड हम लोग दे रखा है, और ये यहाँ से पूरा आप अब जा सकते हो पूरा स्टेयर केस। इसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर बगल में देखते हैं, यहाँ पर अपना जो टॉयलेट बनता है जो कि कॉमन टॉयलेट है, 7 फिट बाई 7 फिट 4 इंच, या फिर आप इसको अंदर से ही साइज़ देख लेते हैं, 7 बाई 7 का टॉयलेट है अपना। टोटल 49 स्क्वायर फिट का एक पूरा बहुत ही बढ़िया स्पेस होता है बाथरूम के लिए दोस्तों। यहाँ शावर लगा सकते हो बढ़िया से आप। इसके बाद यहाँ देखते हैं, ये 4 फिट बाई 3 फिट 8 इंच, 4 बाई 4 आप समझ सकते हो इसको। ये हम लोगों ने गेस्ट के लिए टॉयलेट डिज़ाइन किया, और ये हम लोगों ने इस बेडरूम के लिए टॉयलेट डिज़ाइन किया दोस्तों। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कम बजट में ये नक्शा बना हुआ दोस्तों। हम लोग हर चीज़ आपको स्टेप बाई स्टेप सब कुछ बता दिया दोस्तों। एक बार देख सकते हो यहाँ से भी, ये देखिए ये भी 30 फिट का है दोस्तों। और ये भी दोस्तों देखिए 30 फिट बाय 40 फिट का पूरा ये है, A to Z होम डिज़ाइन। आप देख लीजिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लेने से आपको हेल्प मिल जाएगी, ये सेव हो जाएगा आपके पास। और बाकी आप इसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इसका आप मुझसे प्लान भी ले सकते हो पूरा। बाकी का जो आप अपना प्लान बनवाना चाहो तो मुझे मैसेज करो, हम आपके लिए कम बजट में बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग करते हैं, और बहुत ही कम रेट में आपको डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा अच्छा अच्छा प्लान है दोस्तों, सब कुछ पूरा A to Z। तो चलिए दोस्तों एक बार सब कुछ सम में देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं पूरा क्या क्या है पूरा। तो दोस्तों ये रहा अपना प्लॉट है जिसपे हम लोगों ने पूरी डिज़ाइनिंग की है। उसके बाद फिर आप आगे देखोगे तो ये रहा अपना 3D फ्लोर प्लान। और दोस्तों हम लोग आपको 2D के साथ 3D फ्लोर प्लान एकदम फ्री में देते हैं, तो अगर जो आपको हमारा वर्क चाहिए या फिर हमारी सर्विस चाहिए तो दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करो। ये मेरा चैनल है इंजीनियर देवेंद्र सिंह के नाम से, और ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो दोस्तों, और आपके हम लोग सेटिस्फैक्शन के हिसाब से पूरा प्लान बना के देंगे पूरा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ये है अपना कॉलम का साइज़, और यहाँ पे हम लोग डायमेंशन प्रोवाइड किया हुआ पूरा, हमने पीछे ये वीडियो पूरा समझाया हुआ है, तो आप समझ के देख सकते हो पूरा। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और ये वीडियो बहुत ही कम बजट में, मतलब ये जो नक्शा है बहुत कम बजट में बना हुआ है, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी दोस्तों, बहुत ही कम बजट में आपका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा। बाकी आपको और सस्ते में घर चाहिए तो आप मेरे पीछे की वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत ही कम बजट में घर बनाया हुआ, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, और PM आवास विकास योजना के तहत भी हम लोगों ने घर बनाया हुआ, बहुत अलग तरीके से घर बनाया हुआ दोस्तों। और हम लोग नक्शा बनाते हैं अच्छे अच्छे कम बजट में एकदम। होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके पास डेली कम से कम बजट के बहुत ही अच्छे होम डिज़ाइन लेके आए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।